तो दोस्तों, भारत की नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत ट्रेन को लेकर तो अभी काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। फाइनली 12 अगस्त को यहाँ पर पूरी तरह से इस एडवांस सेमी हाई स्पीड ट्रेन अनवील होने जा रही है। पूरी तरह से देख ले तो कंपेयर टू एग्जिस्टिंग वंदे भारत ये बहुत ही ज्यादा अलग होने वाली है। अब किस किस बातों में अलग होने वाली है मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। सबसे पहले तो इसका एक्सेलरेशन काफी ज्यादा इम्प्रूव किया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पहुंचने में पहले 180 सेकंड्स लगते थे, दैट मींस लगभग 3 मिनट, बट अब मात्र 140 सेकंड्स ही लगते हैं। सो एक्सेलरेशन इससे काफी ज्यादा इंप्रूव होगा और साथ ही में अब बेटर राइडिंग इंडेक्स यहां पर मिल चुका है। अब ये बेसिकली क्या करता है कि आपके राइडिंग कंफर्ट को काफी हद तक इंप्रूव कर देगा बिकॉज ऑफ न्यू एंड बेटर बोगी डिजाइन, जो कि एग्जिस्टिंग वंदे भारत से भी काफी हद तक इन्होंने इंप्रूव कर डाली है। तीसरा सबसे यूनिक बेनिफिट इसमें यह है कि इसे डिजाइन किया गया है फॉर एक्सेलरेशन रिजर्व। अब इससे होगा ये कि मान लीजिए अगर कोई स्लोप है तो यहां पर ट्रेन की स्पीड रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं, ट्रेन खुद ही एक स्पीड को मेंटेन करते हुए चलेगी। चौथा सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि पहले की हमारी जो दो वंदे भारत है उसमें मात्र 1 घंटे का ही बैटरी बैकअप था, बट इसमें तो ऑलमोस्ट 3 गुना, दैट मींस 3 घंटे का बैकअप दिया गया है। सो चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए यहाँ पर पैसेंजर्स को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर सीट्स में भी बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर अब सभी कोचेस में ही इन लोग ने रिसाइकल सीट्स डाल दिए। पहले की वंदे भारत में केवल और केवल एग्जीक्यूटिव क्लास में आपको ऐसे सीट्स देखने मिलते थे, बट अब तो सब में ही दिए गए हैं। फिर रीडिंग लाइट सिस्टम भी पूरी तरह से इन्होंने रीडिजाइन कर दिया गया है फॉर बेटर रिजल्ट्स। इसका वेट भी काफी लाइट है कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग वन, और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब इसका ट्रायल रन भी शुरू कर दिया जाएगा अगले 45 डेज के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि कमर्शियल ऑपरेशन दुर्गा पूजा के पहले शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। सो डेफिनेटली काफी सारे चैलेंजेस के बाद फाइनली हमारी सबसे एडवांस अभी तक की वंदे भारत ट्रेन बनकर तैयार हो गई है। और आपको तो पता ही होगा कि यूक्रेन वॉर की वजह से जो शॉर्टेज और जो सप्लाई में प्रॉब्लम हुआ था इसके व्हील्स को लेकर, तो किसी ना किसी तरह से रेलवे ने भी काफी प्रयास किए कि एयरलिफ्ट करके या चाइना को कॉन्ट्रैक्ट देके हम जल्द से जल्द इसे बिल्कुल भी डिले ना करें और टाइम पर एक टाइम बाउंड डिलीवरी इसकी सुनिश्चित की जा सके। वैसे रेलवे के इस ऐतिहासिक प्रयास के बारे में आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।